कप की वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबला होगा, जहां टीम इंडिया की नज़र लगातार 8वीं जीत पर होगी। बता दें आपको, टीम इंडिया इस विश्व कप में एक भी मैच नहीं हारी है। वहीं भारत को हराकर साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आना चाहेगा। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में 7 में से 6 मैच अब तक जीत चुकी है टीम, जबकि भारत ने अपने 7 मैच जीते हैं। वहीं विराट कोहली का आज 35वां बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। उनके पास शतक जड़े, इसके लिए उनके लिए खास मौका भी होगा। इसके साथ साथ वो अगर शतक लगा देते हैं तो सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी भी वो आज इस खास दिन पे कर लेंगे। तो आज भारत और साउथ अफ्रीका का यह मुकाबला दोपहर 2 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला होगा। सबकी निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई है। दोपहर 1:30 बजे, अब से कुछ देर बाद टॉस होगा। आज विराट कोहली का जन्मदिन भी है और 49वां शतक लगाने का मौका उनके पास है। अगर वो आज इसे हासिल कर लेते हैं तो वो रिकॉर्ड बना लेंगे। आज वर्ल्ड कप में टेबल टॉपर पर ये खास मुकाबला, साफ तौर पर ईडन गार्डन पर ये मुकाबला होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का। तो दोपहर 2 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और 1:30 बजे टॉस होगा। साफ तौर पर इसको लेकर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और बता दें आपको, साफ तौर पर मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी इस मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इंदौर और ग्वालियर के क्रिकेट प्रेमी क्या कह रहे हैं, मैदान में किस तरह के खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं और कितना उत्साह, कितना जोश इस मुकाबले को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी हेमंत शर्मा और करण मिश्रा से। पहले हेमंत, आप ही का रुख कर लेता हूँ। खिलाड़ी देख पा रहा हूँ मैं, आप स्टेडियम में मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं आज के इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमी? बिल्कुल शुभम, भारत और साउथ अफ्रीका का जो आज का मैच है उसको लेकर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला आज रहने वाला है। देख सकते हैं कि मैं एक ग्राउंड पर मौजूद हूं जहां पर अभी क्रिकेट जो है वो खेला जा रहा है और जो खिलाड़ी है वो भी यहां पर मौजूद है। उन खिलाड़ियों से बात करेंगे। आज विशेष मुकाबला भी इसलिए है कि भारत के लिए तो दिलचस्प रहेगा ही, उसके साथ ही विराट कोहली के फैंस जो है वो भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि आज विराट कोहली का जो है जन्मदिन है और जन्मदिन पर विराट कोहली किस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार भारत जो है 7 मैच में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आ रहा है। 8वां मैच आज होना है, तो क्या सोचते हैं, आज भारत का 8वां मैच है और विराट कोहली का जन्मदिन भी है, कितना उत्साह है? मैं अपने मैच में फोकस कर रहा हूँ और बाकी मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है। अच्छा, जब भी भारत का मुकाबला होता है उत्साह आता है, कितना उत्साह रहता है आप लोगों में, क्योंकि भारत लगातार जीत रही है, सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप जीतने के करीब है? बिल्कुल, देखा जाएगा वो तो जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं खुश तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो आज मैच जिस तरीके का होना है उस मैच को लेकर काफ़ी दिलचस्प जो है मुकाबला आज रहेगा और 37 मैच अब तक खेले जा चुके हैं। अच्छा मौका है, क्या लग रहा है आज का जो मैच होना है उसको लेकर कितना आज उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों में? काफ़ी उत्साह है और आज विराट का बर्थडे है तो उसके लिए उनके फैंस को उम्मीद है कि आज वो सचिन तेंदुलकर के वनडे के शतकों की 49 की बराबरी करें और काफ़ी उम्मीद है उनसे, और इंडिया अपना प्रदर्शन वापस से कंटिन्यू करे इसे। तो शुभम देखिए, आज 8वां जो मैच होना है उसमें आज विजय रथ पर सवार होकर इंडिया जो है वो आपको नजर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगातार 7 मैचों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और हर मैच में भारत ने जो है अच्छा उत्साह के साथ में प्रदर्शन किया है और मुकाबला, और ऐसे में आज भी जीत पर निगाहें भारत की है। करण मिश्रा, खिलाड़ी देख पा रहा हूँ लगातार वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, खासा उत्साह उनमें साफ तौर पर है। जरा जानने की कोशिश कीजिए कैसा आज का मुकाबला हो सकता है, क्या टिप्स देना चाहते हैं और विराट कोहली के फैंस क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का हाई वोल्टेज मुकाबला है, उनको चीयर अप करने की आवाज आप लोगों को आ रही होगी, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। एक बड़ा उत्साह जो है वो सारे क्रिकेट प्रेमियों को नजर आ रहा है और हर कोई शख्स जो है वो भारत को चीयर करता नजर आ रहा है और इसकी उमंग के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का मैच कितना हाई वोल्टेज होने वाला है। आपसे जानना चाहूंगा आज का मैच कितना खास है? आज का मैच इसलिए खास है क्योंकि हारने की आदत नहीं डालनी है। ये साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो टेबल पर नंबर 1 स्थान पर होगी और जिसका 4थे नंबर पर ये काफी क्राउड है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आज विराट कोहली का जन्मदिन भी है, 48 शतक लगा चुके हैं, कितनी उम्मीद? विराट भाई ये सारे क्रिकेट प्रेमी हैं और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज देखने में तस्वीर आ रही है कि साउथ अफ्रीका के मार्को बॉलर सबसे ज्यादा विकेट टेकर है। इस बार क्या लगता है बैटिंग इंडिया किस तरह की रहने वाली है? बैटिंग इस बार इंडिया की बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि कोहली भाई है, देख सकते हैं कि एक अलग उत्साह जो है इन बच्चों में नजर आ रहा है और ये सबका रोहित शर्मा मारेगा, विराट कोहली भी मारेगा, हालांकि सब लोग अच्छा खेलेंगे और इंडिया ही जीतेगी। ये तस्वीर आप समझ सकते हैं, एक उत्साह जो है इन बच्चों में नजर आ रहा है, इस उमंग को आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है और यहाँ पर काफी युवा क्रिकेटर भी मौजूद है। आज का मैच कितना रोमांचक आपकी नजरों में? आज रोमांचक मैच बहुत होगा और रोहित शर्मा के 200 रन आ रहे हैं। आज कोहली का शतक आ रहा है, कोहली का शतक, बर्थडे है भाई का, हैप्पी बर्थडे विराट भाई को। मोहम्मद शमी के 5 बॉलर, हैप्पी बर्थडे विराट भाई, हैप्पी बर्थडे विराट भाई। लेकिन साउथ अफ्रीका भी सेकंड नंबर पे है, मुकाबला टफ हो सकता है, हार भी मिल सकती है। आज मैच टक्कर का होगा, मैच रोमांचक होगा और मैच 200 रन से इंडिया जीतेगी। फर्स्ट बैटिंग हुई तो मैच 200 रन से जीतेगी। पूरा भरोसा कि इंडिया ही जीतेगी, भारत ही जीतेगा। कुमारिंदर भी जुड़ गए हमारे साथ में जबलपुर से। करण, मैं आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। कुमारिंदर, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं जबलपुर के मैदानों में आप? कैसा उत्साह खिलाड़ियों में? निश्चित तौर पर जबलपुर में भी जो है आज पारी शुरुआत होने का जो है इंतजार है फ्रेंड्स का, क्रिकेट मैच का, और खास करके विराट कोहली के फ्रेंड्स को भी, क्योंकि जन्मदिन है। हाँ। तो लिहाजा आज उनके जन्मदिन पर तोहफा किसको मिलता है इस बात का भी लोग यहाँ पर कयास लगा रहे हैं। हाँ। और लोग ये बात कह रहे हैं दावे के साथ कि विराट कोहली पर जीत का तोहफा जो है वो इंडिया को ही मिलेगा। उनके साथ कुछ विराट कोहली के फ्रेंड्स भी है और क्रिकेट प्रेमी भी है, मैं उससे बात करूंगा। हाँ। आज ये पहला मुकाबला, अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता है, इसको कैसे देखते हैं? आज तेंदुलकर का 49वां सेंचुरी की बराबरी करने वाले विराट कोहली, ऐसा उसके तरीके से हम लोग देख रहे हैं। लगता है कि आज ईडन गार्डन जो है वो इंडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैदान है। मैदान के हिसाब से, मैदान के खिलाड़ियों के हिसाब से क्या गणित लग रहा है यहाँ जबलपुर में? क्रिकेट प्रेमी क्या कह रहे हैं? हाँ, आप तो विराट कोहली के फ्रेंड हैं? नहीं, मैं रोहित शर्मा का है ना। तो आज मैच को लेकर क्या कयास लगा जा रहे हैं फैंस, कह क्या रहे हैं? आज रोहित शर्मा को आज 200 रन मारने चाहिए। 200? हाँ, लेकिन जन्मदिन तो विराट कोहली का है, तो विराट कोहली के जन्मदिन से अपन को विराट कोहली का जन्मदिन है, विराट कोहली भी चले। हाँ। आगे, लेकिन रोहित शर्मा का जब पारी खेलते हैं तो जब पूरी इंडिया देखती है कि अलग ही खेलते हैं। हाँ। तो मतलब डबल सेंचुरी मार के आज विराट कोहली को डबल तोहफा देने वाले हैं रोहित? बिल्कुल ऐसा। हाँ। अच्छा, गार्डन के लिहाज से, पिच के हिसाब से ईडन गार्डन कैसा शूट है, इस चीज़ को लेकर कुछ? ये तो स्पिनर बॉलरों को सभी को मदद है वैसे। हाँ। तो लेकिन बैट्समैनों को ज़्यादा मिलती है अपना। हाँ। इंडियन पिच में बैट्समैन के लिए जो है ज़्यादा फायदेमंद पिच है। तो और अपने आगे बॉलरों की तो बात ही अलग है, बुमराह, शमी, सिराज। हाँ जी, क्या है चर्चा, क्या है? कोहली से अच्छा प्लेयर तो मेरे को सोमन गिल लगा है। हाँ। जो टीम के लिए खेलता है। हाँ। ना कि अपने लिए खेलता है। हाँ। गिल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा, कोहली के ऊपर जाएगा। हाँ। ये मेरा मानना है। हाँ। तो आज टीम स्पिरिट देखने मिलेगी विराट कोहली के जन्मदिन पर, हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं आज बुमराह 5 विकेट लेगा। 5 विकेट लेगा, बिल्कुल पक्का। कहीं सट्टा भी चल रहा है इस चीज़ को लेकर कि कौन कितने विकेट लेगा मैच लेगा? इसकी जानकारी नहीं हम लोगों को, नहीं लेगा। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है। हाँ। अफ्रीका भी अच्छी टीम है। हाँ। बहुत जद्दोजहद करके जीतना पड़ेगा इंडिया को। हाँ। बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मैच एक नंबर का होने वाला है, कांटे का मुकाबला होने वाला है। हाँ। अब जो अच्छी मेहनत करेगा वही जीत पाएगा। साउथ अफ्रीका को कमतर आका नहीं जा सकता, बहुत अच्छा स्कोर रहा है उसका। हाँ, कप में ले लें। हाँ, ये तो है, लेकिन हाँ, वो चेस करने में बहुत पीछे है अभी इंडिया से। इंडिया चेस भी कर लेती है और फर्स्ट बैटिंग में भी रन अच्छे बनाती है, ऐसा। हाँ, और इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग कर ली तो साउथ अफ्रीका मान लो आप 90% तो हार ही है साउथ अफ्रीका की, तो क्योंकि चेस तो बिल्कुल नहीं कर पा रही है साउथ अफ्रीका इस टाइम, चेस नहीं, और पहले बैटिंग में टसल दे सकती है। बिल्कुल कुमारिंदर, यानी कि साफ तौर मुकाबला जो है काफी टफ हो सकता है, कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। पता है, जैसे इंडिया आवाज अगर आप तक पहुँच पा रही है तो मुकाबला जो है कड़ा होगा, कड़ी टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ईडन गार्डन के लिहाज से भारत के लिए मुकाबला कैसा हो सकता है? क्या कोई चुनौतियाँ होगी उस मैच को लेकर, उस मैदान को लेकर? देखिए ईडन गार्डन की जो तस्वीर रहती है वहां पर जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसको जीत ज्यादा हासिल होती है, जिस तरह के आंकड़े ईडन गार्डन के बोलते हैं। लेकिन भारत के पास अब शमी जैसे बॉलर की जो परफॉर्मेंस सामने निकल कर आ रही है, इस बॉल के जरिए आप समझ सकते हैं कि लगातार विकेट टेकर जो है वो बन के आ चुके हैं। और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 5 बार विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बन चुके हैं वो है मोहम्मद शमी। हमारे साथ ही युवा सभी मौजूद हैं। आज का जो मैच रहने वाला है, चूंकि आंकड़े कहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद, क्या लगता है आप लोगों के जरिए? बिल्कुल, पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा। और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो पहले बल्लेबाजी में ही रन बना पाती है, अगर उनकी सेकंड बल्लेबाजी हुई तो वो कभी नहीं जीत पाती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं वो साउथ अफ्रीका वाले। 2015 वर्ल्ड कप को देखें, 2019 के वर्ल्ड कप को देखें और तीसरी बार 2023 का वर्ल्ड कप, लगातार भारत जीतती हुई आई है और तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी है। इस बार तो फाइनल है, मैच जीते ही, जैसा आप देखते आ रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस इंडिया की दी है वो अभी भी टॉप पे है टेबल में। तो और अगर पहले बैटिंग भी नहीं करती इंडिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने पास चेस मास्टर है विराट कोहली। और आज उनका बर्थडे है तो मुझे लगता है आज एक और शतक आएगा उनका, एक शतक और आएगा। लेकिन अगर मैच लूज कर जाती है टीम तो साउथ अफ्रीका टेबल टॉपर बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। और देखा जाए यही दो टीमें हैं जो शुरू से पीक पे अपने खेल रही हैं और अच्छा खेल रही हैं। बाकी मैच का इंतजार है। और रोहित शर्मा आज बहुत अच्छा रन मारेगा और विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी हमेशा चेस करता है तो वो भी चेस करेंगे। लेकिन एक तस्वीर देखने को मिली थी कि साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड जैसी टीम से हार का सामना करना पड़ गया था, लेकिन इंडिया के सामने हमेशा चुनौती रही है जब मैच हुआ इंडिया के साथ। सर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया अभी जो है अपने पीक टॉप पे चल रही है। और साउथ अफ्रीका कई बार होता है कि आपका मतलब भाग्य साथ नहीं देता, हम कह सकते हैं क्रिकेट में भाग्य भी बहुत मायने रखता है। तो कई बार होता है कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका, हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का भाग्य नहीं था, पर आज क्या पता कुछ और हो सके। बिल्कुल, आज क्या हो सकता है ये इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला आपसे कुछ देर बाद। बहुत शुक्रिया करण मिश्रा, कुमारिंदर और सहयोगी हेमंत शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुकाबले में थोड़ा इंतजार अभी और देखना होगा कि कितना रोमांचक होता है, क्या चुनौतियां होंगी और उसका रिजल्ट क्या आता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।